हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर फॉर प्लांट किंगडम। सो आज बच्चों हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन अबाउट जर्म लेयर्स कि जर्म लेयर्स कैसी हैं, डिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, किन ऑर्गेनिजम्स में कौन सी जर्म लेयर पाई गई है, होती कैसी है, एंड देन कोइलम के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, जो हमने कल किया था, लेट्स अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट देम। तो बच्चों हमने क्या है, एनिमल किंगडम के अंदर अभी स्टार्ट किया था फाइलम्स को पढ़ने से पहले, कि हम ये तो देख ले कि अब सारे जीव अब बने हैं कैसे न कैसे, तो अब उनको ग्रुपिंग करने के लिए क्या नियम है। प्लांट्स के अंदर भी ग्रुपिंग करने के लिए नियम थे कि उनके करेक्टर्स देखे जाते हैं, उनके पोलन्स वगैरह देखे जाते हैं, हर चीज, ठीक है जी, वो एक्वाटिक है कैसे है। उसी प्रकार से एनिमल किंगडम में भी क्लासिफिकेशन के 10 बेसिस दिए थे, जिन्हें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, कुछ मूल सिद्धांत दिए थे, जो कितने थे, 10 थे। इनमें हमने सबसे पहले कल पढ़ा था सिमेट्री, कि जियोमेट्रिकल उसकी किसी भी एनिमल की बॉडी पार्ट्स की अरेंजमेंट कैसे, वो कैसे डिवाइडेड है, ठीक है जी। उसके भी क्या थे, 3 भाग थे, एसिमेट्रिकल कि वो एसिमेट्री के साथ डिवाइडेड है, रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है। एसिमेट्री के अंदर क्या होता है कि जब भी किसी भी प्लेन से आप बॉडी को काटते हो, ठीक है जी, जो सेंटर से गुजरेगी, चाहे आप किसी भी प्लेन से काट ले, आप क्रॉस सेक्शन ले लें, लॉन्गिट्यूडनल ले लें, हॉरिजॉन्टली, उसकी बॉडी कभी भी 2 भाग में डिवाइड नहीं हो रही थी, उसको हमने कहा एसिमेट्रिकल। और फाइलम जो पोरीफेरा के मोस्टली लगभग 95% जो ऑर्गेनिज्म वो एसिमेट्री शो करते हैं। देन हमने देखा था कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जब भी आप किसी भी प्लेन से कट करोगे तो वो सेंट्रल बॉडी से पास होगा, सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है जी, बॉडी के सेंटर से पास होगा और उसको शरीर को वहीं से इक्वल दोनों हाफ्स में डिवाइड कर देगा, इक्वल में, ठीक है जी, चाहे आप क्रॉस सेक्शन कर लो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल कर लो, चाहे हॉरिजॉन्टल, जहाँ से भी उसका कट होते हुए सेंटर से वो कट निकल गया, वहीं से उसकी बॉडी क्या है, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और वो दोनों हिस्से सिमिलर होंगे। ये हमने देखा था सीलेंट्रेट्स में, जिसके अंदर नीडीरिया और आ रहे थे, टीनोफोर्स हो गए, इकैनोडर्माटा, स्टारफिश, ठीक है जी, इसी प्रकार की बॉडी प्लेन थी। देन हमने क्या था कि ये कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री ज़्यादातर नॉन मोटाइल या स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी गई थी, और इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी थी, या तो सिलेंड्रिकल शेप थी या फिर डिस्क शेप थी। देन हमने पढ़ी थी बायलेटरल सिमेट्री, कि जब भी हम किसी एनिमल की बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे और वो लॉन्गिट्यूडनली प्लेन पे सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस करेगी, तो उसकी बॉडी क्या है, सिमिलरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट राइट में, जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। अगर हम उसको क्या है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे, वही बात की व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली 1 प्लेन, एक ही प्लेन से जब क्या है कट कर रहे थे, तो बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही थी, ये नहीं कि आप कहीं से भी कट कर दोगे। ये सभी में जो प्लेटी हेलमेंथीज है उससे ऊपर, हमारे एनिमल्स के अंदर एक चीज बहुत वो है कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, क्या आ गया, एडवांस फीचर आ गया, तो वो आखिर तक कोर डेटा तक ही चलेगा, प्रीमिटिव नहीं है कि किसी ने अपना लिया किसी ने नहीं। एक तो जीवों को छोड़कर जो भी हमारे अंदर क्या है, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन होती है, वो लगभग हर फाइलम आगे उसी बेसिस पर चलता रहता है। तो बाइलेटरल सिमेट्री किन में पाई गई, जो मोटाइल ऑर्गेनिज्म से जो क्या थे, फास्ट थे, रनिंग थे, इसके अंदर आपके फिश एनिमल्स सब आ गए थे। इसके बाद थे कि सेफलाइजेशन किसे कहते हैं, सेफलाइजेशन क्या था कि बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री में क्या हुआ कि जैसे ऑर्गेनिजम्स ने, एनिमल्स ने क्या किया, एवोल्यूशन किया, तो वो क्या है, ऐसी हार्श कंडीशंस में आगे जाओ, उनका सर्वाइवल मुश्किल था। अब हाइड्रा तो क्या कर रहा था, हाइड्रा के पास टेंटिकल्स थे, वो आगे पीछे सभी तरफ देख रहा था, ठीक है जी, वो अपनी बॉडी को 360 डिग्री में प्रोटेक्ट कर सकता है। पर अगर अब आप एक फील करिए कि आपकी गर्दन बिल्कुल झुकी हुई है, बिल्कुल टाइट है, आपके कंधों से जुड़ी हुई है, तो क्या आप उसको अच्छे से घुमा पाओगे, नहीं, सिर्फ क्या है, थोड़ा ही 20 डिग्री एंगल तक ही आप इधर उधर देख पाओगे। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारा हेड फॉर्मेशन हुआ, नेक फॉर्मेशन हुआ, हमारी बॉडी मूवेबल हुई,
जिससे क्या हम ऊपर से भी आसानी से अपने खतरे को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो टेंटिकल नहीं है 360, तो हम क्या है पीछे तक काफी हद तक देख सकते हैं। तो ये क्या है, जो सिविलाइजेशन था ये प्लेटी हेलमेंथी से शुरू हुआ था, जब क्या है हमारा बॉडी शरीर ने नेक को डिवेल्प किया और हेड फॉर्मेशन किया, आईज बनाई, नोज बनाए, ईयर बनाए, ठीक है जी, अपने आप को पूरी तरह से मॉडिफाई किया, तो उस हेड फॉर्मेशन को कहा गया सिविलाइजेशन। क्या कहा गया? सिविलाइजेशन। देन आज स्टार्ट करते हैं बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है बच्चों, जो एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर कोई भी यूनिसेलुलर नहीं है। अब सभी एनिमल्स मल्टी सेलुलर थे तो यार उनमें कोई ना कोई तो डिफरेंशिएशन रही होगी ना, कोई ना कोई तो डिफरेंस रहा होगा, जब तो वो एक दूसरे से अलग है, वरना उन्हें एक दूसरे से अलग तो कैसे भी कर ही नहीं सकते। तो उसी के लिए लेवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन आई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, आपको पता भी होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सभी में सेम पैटर्न है, फिर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को डिफर रख रहे हैं, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स ही बने थे, टिश्यू वगैरह नहीं बने, तो ठीक है जी, उन्होंने क्या शो किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? जैसे कि इन स्पंजिस में क्या था कि जो सेल थे सेल्स आर लूजली अरेंज, जो सेल थे वो लूजली अरेंज थे और वो क्या कर रहे थे, आगे कोई भी डिवीजन शो नहीं कर रहे थे, टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे थे, कुछ भी फॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या शो किया, इसको हमने कहा, ठीक है, लूजली अरेंज है, लूज सेल एग्रीगेट है, तो इसको क्या कहा गया, जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज है, जैसे कि स्पॉन्जिस में क्या है, लूजली सेल एग्रीगेट कर रहे हैं, आपस में पड़े हैं, ठीक है जी, एग्रीगेट्स। तो कैसे, मान लो ये सेल्स हैं भाई, ये सेल्स ही पड़े, इन्होंने कोई टिश्यू नहीं बनाया, तो इसको हमने क्या कहा था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस में पाया गया बच्चों? ये स्पंजिस में पाया गया कि जब क्या है सिर्फ सेल्स लूजली अरेंज है और आगे टिश्यू वगैरह नहीं बना रहे, तो उसे कहा गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन बात आई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, क्या आई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऑर्गेनाइजेशन को ORG करके लिख रहा हूं बच्चों, ताकि क्या है वीडियो भी आपकी बने और टाइम भी आपका कम लगे, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि कुछ एनिमल्स ने क्या करा कि जो अरेंजमेंट थी सेल्स की, जैसे कि सीलेंट ट्रेट्स हो गए, वो सेल्स क्या हो गए, ज्यादा अरेंजमेंट हो गई सेल्स की, कॉम्प्लेक्स, सेल्स की अरेंजमेंट कैसी हो गई, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज कॉम्प्लेक्स, उन्होंने सेल्स की अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स कर ली एंड कन्वर्ट सेल्स इनटू द टिश्यू, और कैसे कर दिया, सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उनको टिश्यू में अरेंज कर दिया, ठीक है जी। तो इसे क्या कहा गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्स थे, द सेल्स विच आर परफॉर्मिंग
विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो वही फंक्शन शो कर रहे थे जो किसके अंदर आता है, पोरीफेरा के अंदर, लेकिन इन्होंने सेल से क्या करा, अपने आप को टिश्यू में कन्वर्ट कर दिया. विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड देमसेल्फ इनटू टिश्यू. टिश्यू में अपने आप को, यानी टिश्यू मॉडिफाई कर लिया उन्होंने सेल्स के बाहर. क्या करा, ये मान लो आपके सेल्स है, सेल्स के बाहर एक लेयर और बना ली जिसको कहा गया टिश्यू. ठीक है जी, और इसे क्या कहा गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं TLO, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और कौन शो कर रहे हैं, सीलेंट ट्रेट्स, जिनके अंदर आपका टीनोफोर और नाइडेरियंस आ गए. सीलेंट ट्रेट्स शो दैट. ठीक है जी, अब हमें पता है टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन. टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, इसे क्या कहेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या कहेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो हायर एनिमल्स थे, जो हायर एनिमल्स थे, उन्होंने क्या करा कि अरेंज कर दिया, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए. ठीक है जी, जैसे कि प्लेटी हेलमेंटीज और हायर फाइल है, उन्होंने क्या करा, टिश्यू को ग्रुप कर दिया और फॉर्म कर लिया. ठीक है जी, देखो बताता हूं क्या है. जो हायर एनिमल है, हायर एनिमल ने क्या करा, जैसे कि प्लेटी हेलमेंथिस हो गया, इन्होंने क्या करा बच्चों, इन्होंने क्या करा कि टिश्यूज को क्या करा, कॉम्प्लेक्स करके किसमें फॉर्म कर लिया, इकट्ठा कर लिया और ऑर्गन बना लिए. ठीक है जी, और जो भी हायर प्लेटी हेलमेंथिस हैं या अदर हायर फाइला है, इससे आगे जो भी फाइला थे, ठीक है जी, उन्होंने क्या करा, टिश्यू को ग्रुप करके, यानी एक ग्रुप बना के टिश्यू को ग्रुप करके किसमें फॉर्म कर लिया. ठीक है जी, ग्रुप्ड एंड अरेंज इनटू ऑर्गन, अरेंज कर दिया किसमें, ऑर्गन में. डेफिनेशन वैसे रहेगी बच्चों, ऑर्गन सिस्टम अगर पूछेंगे कि इन हायर एनिमल्स लाइक प्लेटी हेलमेंटीज एंड अदर फाइला द टिश्यूज आर ग्रुप्ड, द टिश्यूज आर ग्रुप्ड एंड अरेंज टू फॉर्म ऑर्गन्स. अरेंज हो गए किस, क्या बनाने के लिए, ऑर्गन, और इसको हमने क्या कहा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, देन बच्चों बात आती है ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन से क्या बना था, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब जो एनिमल्स थे लाइक इकेनोडर्माटा, जिसके अंदर क्या आती है आपकी स्टार फिश आती है, या कोर्डेट थे, उनके ऑर्गन्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, एसोसिएट हो गए या ग्रुप्ड हो गए, और क्या करा, फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम, एक फंक्शनल सिस्टम बनाने के लिए, जो क्या कर रहा था, ये फंक्शंस करने के साथ साथ फिजियोलॉजिकली फंक्शन कर रहा था. जो हमारा हाथ है, हमारा हाथ क्या करता है, पकड़ता भी है. ठीक है जी, हमारा हाथ वेट को पुल भी कर सकता है, उठा भी सकता है, किसी चीज़ को स्ट्रांगली पकड़ भी सकता है, खाना खाने में मदद करता है, 90 डिग्री तक क्या है, ऊपर नीचे हो सकता है, 180 तक हमारे पैर हमारे लोकोमोशन में मदद कर रहे हैं. तो इसको ये हमने क्या कर लिया, अपना ऑर्गन सिस्टम बना लिया. ठीक है जी, तो उसे क्या कहा गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि क्या कहते हैं कि एनिमल्स हैं,
इन एनिमल्स लाइक क्या क्या आपके, जैसे कि एनलीडा और एनलीडा से लेके कहाँ तक, कॉर्डेट्स तक। क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो भी हमारे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे ना, अगर एक के अंदर भी क्या आ गया, कुछ क्या आ गया, स्पेशल फंक्शन आ गया, तो आगे वो सभी आखिर तक हायर कॉर्डोफाइलम तक चलेगा, कोई प्रीमेशन नहीं आएगी। तो एनलीडा हो गए, अर्थ्रोपोडा आपके, मोलस्का, इकानोडर्म्स, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेटा, सभी ने क्या करा, सभी ने क्या करा बच्चों, ऑर्गन्स को एसोसिएट कर लिया। ऑर्गन्स हैव यानी ग्रुप्ड कर लिया, इकट्ठा कर लिया। एसोसिएशन कहते हैं ना कि एक समूह, किसी चीज का संग, उन्होंने ऑर्गन्स का संग कर लिया, ऑर्गन्स का ग्रुप कर लिया। फंक्शनल, वही जो फंक्शन क्या कर रहे थे, सेल्फ परफॉर्म कर रहे थे, उसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन सिस्टम बना लिया। तो बच्चा और ज्यादा वो डेवलप हो गया, एडवांस हो गया, और अच्छे से वो क्या है, उस फंक्शन को कर पाएगा। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होंगे। अब सेल्स तो क्या है, एक फंक्शन करने के लिए सारे उसी के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, पर डिफरेंट ऑर्गन क्या करेंगे, एक टाइम पर अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे हम अपने हाथ में मोबाइल पकड़ रहे होते हैं, हमारी उंगलियां मोबाइल को टच कर रही होती है, और हम चल भी रहे हैं तो हमारे पैर लोकोमोशन करें। अलग अलग ऑर्गन क्या है, डिफरेंट फंक्शन शो कर रहा है एट अ सिमिलर टाइम। तो इसलिए क्या है, ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट हुई। ठीक है जी, टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम। और हर क्या था, ईच जो सिस्टम था, हर सिस्टम क्या था, कंसर्न्ड था किसके साथ, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के साथ। ठीक है जी, अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो भी ये क्या कर रहे थे, ऑर्गन सिस्टम कर रहे थे। और इसी को हमने क्या कहा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्या था, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। कि बच्चों पहले क्या था, जिनके अंदर क्या है, सेल्स से आगे टिश्यू नहीं बने, उन्होंने तो शो करा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या था, जो फंक्शनल सेल्स थे, जो फंक्शंस को शो कर रहे थे, वो सेल्स क्या है, टिश्यू बना लिया, उन सेल्स ने इकट्ठा हो गए, तो वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो टिश्यूज वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने ग्रुप करके क्या कर लिया, ऑर्गन्स को बना लिया, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो किया। देन क्या करा, उन ऑर्गन्स ने इकट्ठा होकर फंक्शनल सिस्टम बना लिया, क्या करा, और ठीक है जी, और जो क्या कर रहा था, फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी कर रहा था और फंक्शनों के अलावा, उसको हमने ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा। सो दैट्स ऑल फॉर दैट क्लास। इन सेकंड क्लास और पार्ट बी ऑफ लेक्चर 3 हम क्या है, बचा हुआ जो हमारा रह गया है, क्या ओपन और जो आपका क्लोज टाइप हार्ट सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो और जर्म लेयर हम पढ़ेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।